आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अध्यक्ष की शिकायत के बाद जांच के लिए आया दल। सिवरेज के कार्यों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। पार्षदों का आरोप, गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहा कार्य। तय समय सीमा पर पूरा करे प्रोजेक्ट। सनावत नगर में चल रहे सिवरेज के कार्य की शुरुआत से ही अनेक अनियमितताओं को लेकर इसकी बात सार्वजनिक हुई थी। पार्षदों द्वारा अपने अपने वार्डों में निर्माण के दौरान कार्य की गुणवत्ता, समय सीमा और नागरिकों को होने वाली परेशानियों को लेकर समय समय पर ध्यान दिलाया था। इन्हीं कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कार्य की अनियमितता को लेकर अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला और पार्षदों ने गत सप्ताह भोपाल जाकर विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर वहां पर निरीक्षण के लिए जांच दल भेजने के बाद कार्य शुरू करने की बात कही, जिस पर जांच के लिए ये दल नगर में आया, जिसमें MPURDC के चीफ इंजीनियर विजय गुप्ता, अर्बल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद गढ़वाल ने निर्माण कार्य सिवरेज की लाइन के कार्य को देखा और परिषद के कांग्रेस पार्षद और भाजपा के पार्षदों से मुलाकात कर उनकी बात को सुना। अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बताया कि नगर में सिवरेज के कार्य को लेकर शुरुआत से ही कंपनी द्वारा अपनी हठधर्मिता अपनाई जा रही है। पार्षदों ने वार्ड में निर्माण कार्य शुरू करने के दौरान जिन बातों का उल्लेख किया था, उन बातों का पालन नहीं किया गया। साथ ही एक कार्य को शुरू कर पूर्ण किए बिना ही अन्य वार्ड में कार्य की शुरुआत कर दी गई, जिससे स्थानीय रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रयाग पार्क कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर भी निर्माण कंपनी द्वारा कार्य को शुरू कर दिया गया। साथ ही बने चैम्बर में न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया, न ही सिवरेज के मापदंडों का पालन किया गया। इसको लेकर मौके पर संबंधित ठेकेदार को कंपनी की कार्यप्रणाली दिखाई गई। इस संबंध में अधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की बात कही। भाजपा नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में किए गए कार्यों को पुनः करने के साथ ही मार्च 24 की तय समय सीमा में कार्य करने की बात कही। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण पटेल, पार्षद गंगा भारती शर्मा, राजेश अंजने, पवन इंगला, बंटी राठौड़, दुर्गेश परिहार, राजा शर्मा सहित कांग्रेस और भाजपा के पार्षद मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।